हाय सुम्बुल, सबसे पहले वेलकम टू दी चैनल। थैंक यू। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे बिग बॉस का सफर कैसा रहा, क्योंकि जाते वक्त हमने देखा था सुम्बुल एक अलग ही अवतार में स्टार्टिंग के डेज में दिख रही थी, फिर बाद में हमने देखा कि एक अलग ही आपका रूप दिखा है। आई थिंक ये वो बहुत डिफरेंट जर्नी रही ऑफ कोर्स, एंड जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वो कहीं से कहीं तक बिल्कुल वैसी नहीं थी। पर एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि हाँ, मुझे मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस था, बहुत चीज़ें सीखने को मिली। उसके साथ साथ एक ये चीज़ हुई कि वो बहुत रियल जर्नी रही, कि स्टार्टिंग में भले ही मैं फिट नहीं कर पा रही थी, देन कुछ और चीज़ें हो गई जिससे मैं और ज़्यादा यू नो इट वॉज मोर लाइक अ डाउनफॉल फॉर मी, एंड देन वहाँ से वापस से ऊपर आना। एंड सो आई थिंक कि इट वॉज अ नेचुरल जर्नी, तो उस चीज़ की मुझे थोड़ी खुशी है कि हाँ एक रियल जर्नी थी मेरी। अब भी हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे आपके फैंस हैं जो बोल रहे हैं कि सुम्बुल को नहीं निकलना चाहिए था, वो डिजर्विंग थी, ट्रॉफी उनके हाथ में होनी चाहिए थी। क्या लगता है आपको, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अभी भी अंदर है और वो डिजर्विंग नहीं है? ऐसे फिर मैं किसी का वो नहीं लगा सकती कि मतलब कि ये डिजर्विंग नहीं है, दे आर इनसाइड एंड दे स्टिल देयर, देयर मस्ट बी अ रीजन दैट दे आर देयर। इट्स जस्ट दैट कि हाँ, मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं डिजर्विंग थी और मैं और आगे आनी चाहिए थी, मैं जीत भी सकती थी। पर ये मैं नहीं बोल सकती हूँ कि किसको नहीं जीतना चाहिए, कौन डिजर्विंग नहीं है। लेकिन फिर भी सुम्बुल, एक ऐसे होता है ना कि बाहर से लोग आपको देखते हैं, आपका गेम देखते हैं, उनको पसंद आता है आपका गेम, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिना गेम खेले भी आगे बढ़ते जाते हैं। आपको ऐसा कोई व्यक्ति लगा अब तक? बिना गेम खेले आगे तो मैं भी बढ़ी हूँ, मैंने कोई गेम नहीं खेला, मैं दिल से चली हूँ। पर उसके साथ मैं अगर एक नाम लेना चाहूँ तो मेरी नज़र में शालीन, और उसका कारण बहुत सिंपल सा है कि शालीन का मतलब मैंने स्टार्टिंग से चिकन के अलावा कोई और मुद्दा देखा नहीं था। इज अ नाइस गाय एंड कुछ और मुझे ज़्यादा गिला शिकवा नहीं है, ऐसा कुछ मैं मन में लेके नहीं घूम रही हूँ। जस्ट दैट की आई थिंक कि उनका वो जो लव एंगल उन्होंने चलाया, फेक लव एंगल या जो भी था, वो आई थिंक उसके भरोसे वो इतना लंबा आ गए एंड ही स्टिल देयर। सो आई थिंक कि वो थोड़ा सा यू नो कि शायद मैं भी अगर कोई लव एंगल खेलती तो मैं आगे तक पहुँच जाती, फिनाले तक पहुँच जाती, या फिर मैं सिर्फ कैमरा में देखने के लिए कुछ भी फालतू के मुद्दे उठाते रहती, गंदगी करती है, नीचा दिखाती, तो शायद मैं आगे पहुँच जाती। पर मुझे ये सब चीज़ें सही नहीं लगती हैं करना, टू बी ऑनेस्ट। पता, लव एंगल की जब बात आती है, कहीं ना कहीं आपके साथ भी उन लोगों ने कुछ एक साजिश की थी, आपको भी उसमें कहीं ना कहीं बहकाने की कोशिश की थी कि हाँ सुम्बुल के बारे में भी आपने भी ये बात की जिक्र की है एक बार टीना से। क्या कहना चाहेंगे, जब अगर गेम खेला चाहते हैं तो इंडिविजुअल अपना गेम खेलना चाहिए, या ये सब मुद्दों को लाना ज़रूरी है बिग बॉस के घर में, क्योंकि ये तो एवरी सीजन का अब हो गया है कि एक लव एंगल बनाना? डू यू थिंक सो इट इज एक्चुअली जितना मैंने इस सीज़न में नोटिस किया है, इस सीज़न की बात करी मैं पर्टिकुलर, पर मेरी नज़र में ये सही नहीं है। मैं सच्ची बोलूँ तो कि आप मतलब ये क्या हो, अगर आप फेक लव एंगल खेल रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, मेरी नज़र में सब ये सही नहीं है। मेरी नज़र में आपको गेम भी खेलने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर अपने दिल से चलोगे, क्योंकि एक बार मुझे याद है कि रुबीना जी ने भी बोला था कि जो भी करो ना बस सच्चे दिल से करो और कुछ भी नहीं, तो आप बस दिल से साफ रहो, आप सच्चे दिल से कोई भी चीज़ करोगे वो कहीं से कहीं तो गलत नहीं होगी, तो दिल से चलना चाहिए, दिमाग से पूरी दुनिया चल रही है। अभी भी आपके निकलने के बाद भी कुछ कुछ बातें चलती कि मंडली एक तरफ है और अपने मंडली में किसी को लेना नहीं चाहती है। शालिन भी अभी कह रहे हैं, हमने कल परसों के भी एपिसोड में देखा है कि कहाँ वो शिव से लड़ रहे हैं कि मंडली बना लिया है तो ऐसे लेना नहीं पसंद कर रहे हैं, कि मैं तुमसे सिर्फ बात करने गया था लेकिन ये तो कुछ और ही समझ रहे हैं। एक्चुअली मंडली इज़ नॉट अ कंपनी जैसा बना के रखा है कि मंडली लोगों को हायर करती है वहाँ पे काम करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। मंडली जेन्युइन फ्रेंडशिप है, जो एक शब्द दे दिया गया मंडली, और उसके अलावा वो एक जेन्युइन फ्रेंडशिप थी जो लोग आपस में जो कनेक्ट कर पाए, शायद किसी एक इंसान से कनेक्ट कर पाए, पर धीरे धीरे करके हर एक इंसान से कनेक्ट करने लग गए, क्योंकि कहीं ना कहीं मंडली में वो लोग हैं जो काफ़ी सेल्फलेस हैं, चाहे वो साजिद सर हो, चाहे वो अब्दू हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो स्टैन हो, चाहे वो निमृत हो, या फिर मैं हूँ, तो कहीं ना कहीं वो जो जेन्युइन दोस्ती होती है कि आप दोस्त के लिए कुछ भी कर सकते हो, वो मंडली है। तो मंडली इज़ नॉट लाइक कि कोई भी आए, दो चार दिन अच्छे से बात हो तो उसको एकदम दोस्त बना लिया, नहीं, जब तक आप किसी इंसान से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आप मतलब दोस्त नहीं मान सकते ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है वो।
अगर सुम्बुल आपसे अगर पूछा जाए कि बिग बॉस के घर में दिस सीजन हु वाज द एंटरटेनमेंट पर्सन? अरे यार सब अपने आप में बहुत एंटरटेनिंग है, सच्ची बोलो तो। मतलब अर्चना बहुत एंटरटेनिंग है और शालीन भी है कहीं ना कहीं, बहुत उन्होंने भी एंटरटेन किया होगा क्योंकि हमने जो एक न्यू ईयर पे वो एक यू नो न्यू एक वीडियो देखा था, तो यू नो ही इज अ फनी गाय आई थिंक, तो लोगों ने पसंद किया होगा। एंटरटेनिंग वो भी है, उसके साथ साथ स्टैन बहुत एंटरटेनिंग है, शिव भी बहुत एंटरटेनिंग है, सारे सर बहुत एंटरटेनिंग थे। तो जब कौन है जो एंटरटेनिंग नहीं है, सब एंटरटेनिंग है कहीं ना कहीं। तो हु वाज द लाइक जसवी से जोड़ी बोलते हैं ना, जोड़ी बनती है हर बार बिग बॉस के घर में, हम देखते हैं कब किसी ना किसी की जोड़ी बनती है। जैसे हमने पहले देखा था सिडनास जो बहुत ट्रेंड कर गए थे, ऐसे इस सीजन अगर आपको अगर कोई लगा हो? आई थिंक स्टैन और शिव सबसे माशाल्लाह सबसे प्यारी जोड़ी रही है वो, बिकॉज जब सारे सर चले भी गए हम लोग भी थे, इनफैक्ट मैं अभी के भी एपिसोड देखूँ उनको जो दोस्ती का अवार्ड दिया गया है एंड एवरीथिंग, सो आई थिंक कि वो एक जोड़ी है और सबसे माशाल्लाह सबसे कमाल की जोड़ी है वो एक जोड़ी, और एक साजिद एंड अब्दू सजदू। ऐसा कोई एक व्यक्ति जो हमेशा हर किसी की फ्रेंडशिप तोड़ना पसंद करता है जोड़ने से ज़्यादा, और खुद को ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करता है? यू मीन अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन? राइट, टीना। टीना, व्हाई डू यू थिंक सो लाइक दैट? बिकॉज आई थिंक ही शी इज वेरी सेल्फ सेंटर्ड, शी वांट्स यू नो कि हर एक चीज उनके इर्द गिर्द हो, जिसके लिए उनको एक बड़ी रानी के सिंहासन पे बैठाया गया था, विच इज एक्चुअली राइट कि उनके थोड़े रानियों वाले एकदम नखरे मुझे लगते हैं। आई इट्स नॉट दैट कि मुझे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है उनसे, नहीं, बिकॉज फॉर मी शो इज एंडेड, पर अभी जो आपने मुझे कारण दिया उसके हिसाब से और है नहीं घर के अंदर। मैं ये उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी कि वो दोस्ती तोड़ती हैं बनाने से ज़्यादा, पर कहीं ना कहीं वो सेल्फ सेंटर्ड मुझे बहुत लगे। फिर साथी सुम्बुल, हाल ही में हमने जब टास्क देखा था, जो टास्क में तीन तीन लोगों की ही जोड़ी चलेगी, लेकिन उसमें आपके ग्रुप ने आपको नहीं चूज़ किया, आपको क्या लगता है आपको वो टास्क करना चाहिए था या नहीं? क्योंकि बिग बॉस के घर में कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लाइक सहन शक्ति अपने अंदर रखनी पड़ती है टास्क करने के लिए, आपको वो लगा? आई थिंक वो टास्क मैंने बिना किए भी किया था, लोगों ने वो देखा होगा कि मैं कितना ज़्यादा इन्वॉल्व थी उस टास्क में, पर उसके साथ साथ जब मैंने अपने दोस्तों के चेहरे देखे टास्क के बाद तब मुझे लगा कि अच्छा मैंने नहीं किया। पर ये है कि हाँ मैं ऑफकोर्स करती करना चाहती थी, पर उसके एक दिन पहले जो नॉमिनेशन हुए थे तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मेरे कारण ये चीज़ हुई है, तो नेक्स्ट डे उस टास्क में मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया या मैंने ज़्यादा फाइट बैक नहीं किया कि नहीं मुझे जाना है जाना है, बिकॉज अगर कहीं ना कहीं मेरे कारण कुछ और गलती होती, कुछ भी होती, मुझे इतना विश्वास था कि नहीं छूटेगा, विश्वास मुझे लेकिन 9 मिनट वाले में भी था, सो यू नेवर नो कि क्या हो जाए, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि नहीं यार एक चीज़ मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ तो यहाँ पर मैं रिस्क नहीं लेती, तो मैं खुद अपनी मर्जी से ही नहीं लेती। बार बार आपको लोग कहते थे कि सोई हो, अब तो जाग जाओ, अब तो जाग जाओ, ये सुन सुन के आपको कुछ अजीब नहीं लगता था? क्योंकि हर कोई ये घर में तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सोए हुए थे, जो अब तक आगे बढ़ गए। मुझे बुरा लगने लगा था बीच में कि मतलब अभी तो मैं जगी हुई, जब मैं जगी थी तब भी बोलते थे कि सुनती रहती है, मतलब मेटाफोरिकली बात कर रही हूँ, तो मुझे लगी कि यार अब तो मैं अच्छे से कर रही हूँ, तो मैं हर जगह इन्वॉल्व हूँ, मुझे क्यों बोल रहे हो, वो चीज़ थोड़ी बुरी लग रही थी। और फिर क्या होता है ना कि आपको कोई भी, चाहे वो शिखर सर हो चाहे सलमान सर हो, कुछ भी आके बोले वो एक अलग चीज़ हो जाती है, पर वही चीज़ जब कंटेस्टेंट्स आपके सामने यू नो रिपीट करते हैं, आपको नीचे दिखाते हैं बोल बोल के, तब ज़्यादा बुरा लगता है, बिकॉज यू नो यू कैन नॉट से एनीथिंग, जस्ट दैट कि आपको खुद को पता है कि आप कितने इन्वॉल्व रहे हो, तो बुरा लगता था, बट आफ्टर अ पॉइंट जस्ट यू नो एक हो गया था कि अभी छोड़ो मेरे को, अभी इतना कर लिया फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो मेरे को इन्वॉल्वमेंट चाहिए ही नहीं, मेरे को होना ही नहीं है। पर फिर आया टॉर्चर टास्क जिसमें मैं कुछ भी मतलब यू नो आई कुडंट कंट्रोल माय सेल्फ बिकॉज़ वो लोग बहुत गलत कर रहे थे। एक कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी रही, अगर किसी एक को अगर चूज करना रहा तो? साजिद सर। क्यों, रीजन? बिकॉज़ ही वो मतलब एकदम फादर फिगर हो गए थे मेरे लिए घर के अंदर, मेरे को उनसे डांट खाने में डर भी लगता था और उनके लिए खाना बनाने में खुशी भी मिलती थी, उनके साथ मस्ती करने में मजा आता था, सो वो मतलब एक फैमिली काइंड ऑफ यू नो एक अपनापन वाली फीलिंग होती है, तो आई टू फील वेरी यू नो प्रोटेक्टेड एंड वेरी सेफ उनके पास में। सुम्बुल पता, आपके इतने फैंस थे कि इतने फैन पेजेस बनाए पूछो मत, लेकिन है ना लोगों की एक शिकायत थी कि अगर आप शालीन को नहीं पसंद करती, उनकी कुछ हरकतें नहीं पसंद करती, फिर भी उनका काम करना क्यों पसंद करती थी आप?
क्योंकि कहीं ना कहीं टीना भी एक हद तक ऐसे चिढ़ के फिर वो पीछे हो जाती थी। मतलब स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं आप? जी। वो क्या होता है ना, मेरी नजर में जो चीज है कि एक दोस्ती में, आपके दोस्त में जरूरी नहीं कि आपका दोस्त एकदम परफेक्ट हो, उसमें कोई फ्लॉ ही ना। सो दोस्ती होती यही है कि आप सामने वाले की खामियां जानते हो, वो जो जहाँ जहाँ गलत है, जो जो बुराई है वो आप जानते हो, लेकिन उसके बावजूद आप उसको एक्सेप्ट करते हो। मेरी नज़र में दोस्ती वो है, आप उनको समझाते जरूर हो, पर मेरे और शालिनी में ऑफकोर्स एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, तो कहीं ना कहीं मेरे मुझे बोलने में भी लगता था कि यार ये इंसान ऑलरेडी समझ जा रहे हैं, जो मुझे बाद में लगा कि नहीं है। पर स्टिल मेरे लिए स्टार्टिंग में वही चीज़ थी कि यार इज़ माई फ्रेंड एंड वट एवर, लाइक कुछ भी बुराइयाँ हो, आई शुड एक्सेप्ट हिम द वे ही इज़, बिकॉज दोस्त है मेरा, सो व्हाई नॉट, मेरा ये सोचना। पापा की बातें कितनी इंपॉर्टेंट लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं निमृत को भी हमने देखा था, उनके पापा ने भी उनको कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन उनके लिए वो सुझाव इंपॉर्टेंट नहीं थे। लेकिन आपके पापा का एक टाइम हमने ऐसे भी सुना कि उन्होंने बोला था सुंबुल को वोट ना करो, लेकिन आपके परफॉर्मेंस में कुछ चेंजेस आए, राइट? आई थिंक कि निमृत के लिए ऐसा नहीं मैं बोल सकती, क्योंकि वो ऑफकोर्स की इंपॉर्टेंट नहीं थे उनके पापा ने जो बोला। पर एक चीज़ हो जाती है जो शायद मैंने भी सेकेंड वीक में की थी, कि हमें कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि हम वो ज़िंदगी जी रहे हैं, बाकी लोग वो ज़िंदगी देख रहे हैं, तो हम क्या चीज़ फील कर रहे हैं वो हम जानते हैं, उस चीज़ में हम गलत हैं, वो मैं भी मानती हूँ एंड आई गेस वो निमृत भी मान रही होगी। पर उसके साथ साथ वही जो फीलिंग होती है ना कि मैं ये चीज़ देख रही हूँ, पूरी बुरा ज़िंदगी जी रही हूँ और मैं अभी तक अपने हिसाब से करते आई हूँ सब चीज़, तो यू नो थोड़ा वक्त लगता है हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि मैंने भी एक्सेप्ट नहीं किया था जब पापा ने सेकंड वीक में आके मुझे बताया था, जबकि मुझे लग रहा था कि टीना शाली मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। पर यार वही चीज़ यू नो गलत हुई, पर बाद में जब वो कन्फेशन रूम वाली चीज़ हुई तब साजिद सर ने मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि मैं वो इंसान नहीं हूँ कि मैं एकदम रूडली मुँह पे बोल दूँ कि जाओ मुझे बात ही नहीं करनी है ऐसा, मुझसे वो होगा ही नहीं, पर फिर भी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ा, जिसमें साजिद सर ने मेरा बहुत साथ दिया। वेल, जब आपके पापा से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि सुंबुल को इसलिए मैंने भेजा है कि कुछ थोड़ा इंडिपेंडेंट रहे, कुछ नया सीखने मिले। आपसे जानना चाहेंगे बिग बॉस के घर में जाने के बाद क्या कुछ बदलाव आपके अंदर आया है और क्या कुछ आपने सीखा है इतने कम उम्र में? आई थिंक मेरे पेशेंस लेवल और हाई हो गए, और अब अगर मुझे कोई भी मेरे बारे में बुराई करना चाहता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलना चाहे, तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर से मैं बहुत सुन के आएंगे, जितना नहीं सुनना चाहिए था वो भी सुन के आएंगे। सो या मुझे नहीं लगता कि अब मुझे उन चीज़ों से फर्क पड़ेगा, बिकॉज यू नो एक सहन शक्ति और बढ़ गई है, पहले भी थी अभी और ज़्यादा बढ़ गई है, उसके साथ साथ हम यू नो मतलब लिटिल मोर रिजर्व नाउ, क्योंकि मैं हर एक इंसान के साथ बहुत पोलाइट रही हूँ हमेशा से, मस्ती करना ये सर, पर ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान को मस्ती समझ में आए, क्योंकि वो कई बार गलत तरीके से भी यू नो समझा गया है। तो अब किसके साथ फ्रेंडशिप नहीं रखना पसंद करेंगे और रखना पसंद करेंगी? आफ्टर ऑल लाइक बिग बॉस के विजेता के बाद तो आप सभी एक साथ मिलेंगे, तो आई थिंक एक्सेप्ट फॉर टीना शालिन सबके साथ मैं दोस्ती रखना चाहूँगी। अगर फिर भी अगर वो सामने से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो आप पसंद करेंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता वो लोग बढ़ाएंगे, पर अगर बढ़ाए तो भी नहीं, सॉरी। वेल सुंबुल, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, क्या लगता है बिग बॉस की ट्रॉफी किसे जीतना चाहिए, कौन डिजर्विंग है जो स्टार्टिंग टू लास्ट तक जिसकी मेहनत पूरी तरीके से रही है? अगर मैं मेहनत की बात करूँ तो फिर शिव, और मतलब दोनों ही मेरे दोस्त हैं, शिव एंड स्टैन, मैं तो बोलती हूँ दोनों को जिता दूँ, पर दोनों इतने माशाल्लाह प्यारे हैं और दोनों इतने डिफरेंट हैं एक दूसरे से भी, सो मेरे हिसाब से डिजर्विंग डिफरेंट लोग हैं जिन्होंने हर एक सिचुएशन को बहुत डिफरेंटली हैंडल किया है। प्रियंका ऑफकोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, और उसके साथ साथ यू नो उनका एक ही तरीका है वो झगड़ा करने वाला, पर शिव का वो तरीका नहीं है, ना ही वो स्टैन का तरीका है, स्टैन अपनी बात बोल के निकल जाता है, उसको नहीं फर्क पड़ता सामने वाला क्या सोच रहा है, सो आई थिंक स्टैन और शिव बहुत डिफरेंट है, तो मेरी नज़र में तो शिव या स्टैन को ही होना चाहिए। अगर अभी भी अगर आँख खोलना अगर रहा किसी का, जितने भी अभी कंटेस्टेंट है घर में, अगर किसी एक को अगर कुछ सुझाव देना हो कि अगर आपके साथ ये गलत हो रहा है आप प्लीज़ हट जाइए ये चीज़ करने से, तो किसे आप सुझाव देना चाहेंगे? मैं किसी को सुझाव नहीं देना चाहूँगी, कि मुझे मालूम है कोई मानेगा भी नहीं, वो घर ही ऐसा है, इसको किसी को कुछ जो भी बोलो कोई मानने को कभी नहीं। नहीं सुंबुल, आपने बहुत सपोर्ट किया है, जैसे कि अब तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, ऐसा लग रहा था कि आपके दोनों भाई है शिव और स्टैंड, उन दोनों के लिए आपने इतना टास्क में बोला है, भले वो बाल्टी टूट गई थी चाहे वो फिशेस वेस्ट हुए थे, वो मैंने बोला हमेशा जस्ट दैट ना कि अगर मैं किसी को सुझाव दूँ, ऑफकोर्स मैं अपने दोस्तों को सुझाव नहीं दूंगी, मेरे हिसाब से वो एकदम बढ़िया चल रहे हैं, पर बाकी जो लोग हैं उनमें से किसी को दूंगी तो उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा,
जो घर के अंदर मेरे साथ हो चुका है, बहुत सुझाव देने की कोशिश की, कोई नहीं सुनता, कोई मतलब नहीं है एनर्जी वेस्ट करने का, बता रही हूँ मैं। पर एक बहुत छोटी सी चीज़ है, बट कि आई थिंक अर्चना अगर यू नो कुछ बहुत गुस्से में कुछ ज़्यादा बह जाती है, नहीं तो है वो माशाल्लाह बहुत प्यारी लड़की है, बहुत एंटरटेनिंग है, अगर वो इतना ज़्यादा यू नो गुस्से में बहन आ जाए, थोड़ा सा कंट्रोल में रहे, तो उससे ज़्यादा प्यारा कोई नहीं है। साथ ही बिग बॉस के घर में क्या कुछ नहीं मिला था आपको, एज इन लाइक फूड डिशेज एंड ऑल, बाहर आने के बाद क्या कुछ पसंद करेंगे आप? मैं अभी रोज़ क्या क्या खा रही हूँ, मैंने KFC खा लिया आते ही साथ, देन नेक्स्ट डे मैकडोनल्ड्स, ओल्ड कॉफ़ी, और कल मैंने चाइनीज़ खाया है, एंड मोमोज खाए कल मैंने, और मैंने क्या खाया था, हाँ मैंने मटन खाया कल, और अभी मैं व्हाइट सॉस पास्ता खाऊंगी, और इसके बाद मैं बाहर निकलते ही साथ ये सब खत्म हो जाएगा तो पानी पूरी खाऊंगी। यू नो आपकी सिस्टर से भी हमने बात की थी, उन्होंने बोला था कि लाइक सिस्टर आप लोगों में बोलते हैं, अपी बहन जी बोला था कि हमने तो कभी देखा नहीं था दी को ऐसे रोटी बनाते हुए एंड ऑल, अब तो देख रहे तो अब तो एकदम ही बदल गई है, क्या कुछ आपकी सिस्टर ने आपको कहा? आई थिंक कि वो मतलब उनको भी बिलीव नहीं हुआ पावर साने हो कि मैंने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा, क्योंकि मैं खाना थोड़ा बहुत बनाती थी घर पे, बट यू नो कि मतलब शूट करते हैं जब, तो शूट करने के टाइम पे इतना वक्त नहीं मिल पाता, तो मैंने कभी ज़्यादा खाना बनाया नहीं, पर हाँ रोटी गोल बनानी आती थी मुझे, उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें मैंने घर के अंदर एक्सपेरिमेंट की जो सही निकल गई, चाहे वो चिकन पुलाव हो, चाहे वो मटन पुलाव हो, चाहे मैंने मटन एक बार बनाया था वो हो, या फिर मैंने पोहा तक एक्सपेरिमेंट किया था घर के अंदर, जो सबसे वो ऐसा हो गया था कि सुमन सबसे अच्छा पोहा बनाती है घर के अंदर, तो एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में मैं एकदम बहुत बढ़िया हो गया मेरे साथ, तो मैं तो बड़ी खुशी हो गई थी, मुझे मज़ा। बिग बॉस के घर के बाद बहुत से लोगों को प्रोजेक्ट्स मिले हैं, अभी हाल ही में हमने देखा है कि अंकित एक शो में है, आप अगर पसंद करती है तो किस तरीके का शो पसंद करेंगी और करना चाहेंगी? मैं फिलहाल मैं चाहूँगी कि मैं वेब शोज पे या मैं फिल्म पे ज़्यादा फोकस करूँ फिलहाल के लिए, नहीं तो अगर मुझे एक अच्छा अच्छी स्टोरी के साथ एक अच्छा बड़ा शो ऑफर होता है टीवी के लिए भी, देन वाई नॉट, इट्स जस्ट दैट कि मैं थोड़ा कुछ डिफरेंट करना चाहूँगी जी, एक इमली के कैरेक्टर से ऑफकोर्स बहुत अलग और मेरी पर्सनालिटी से बहुत अलग, जैसा लोगों ने बिग बॉस में मुझे देखा है, क्योंकि उन्होंने उसमें भी फ़र्क देखा है कि मैं इमली में कैसी थी और मैं बिग बॉस में कैसी थी, उन पर बहुत बड़ा फ़र्क है, तो उसके भी अलावा मैं कुछ और एक यू नो मैं खुद को चैलेंज करना चाहूँगी, एक चैलेंजिंग रोल चाहिए मुझे, तो मैं वैसा चाह रही हूँ। क्या बिग बॉस के घर के बाद कुछ फैंस से मिली है अब तक? हाँ मतलब अभी गई थी मैं जरा सा मतलब मॉल एक, तो थोड़े ऐसे अभी ऐसा हो गया है कि सब लोग ही पहचान ले रहे हैं। कैसे रिएक्शंस थे? मतलब सब बहुत ऐसे खुश हो गए थे देख के, सब बता रहे थे कि जिस दिन मैं निकली थी एपिसोड देख के उनके सबके घर वाले रो रहे थे कि मैं चली गई बाहर, उन सब ने बोला कि मैं बहुत डिग्निफाइड वे में रही हूँ घर के अंदर, मुझे ऐसे दिल को खुशी हुई देख के, पर वही है कि अभी सब पहचाने जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, मैं अकेले कहीं नहीं घूम सकती, मैं थोड़ा सा ऐसे खुशी हो रही मतलब वाओ। सुनो एक आखिरी सवाल, हम हमेशा देखते थे कि कोई अगर किसी के फैमिली के बारे में अगर कुछ बोलता था तो हर कोई स्टैंड लेता था और हर कोई बोलता था कि आप नहीं बोल सकते ऐसे, शालिन ने भी अपनी एक्स वाइफ के लिए भी स्टैंड लिया था, लेकिन जब जब अंकल की नकल अगर निकाली जाती थी तो आपने क्या कभी कुछ किसी को बोला है? यू नो कि जब कोई भी किसी की फैमिली तक जाता है, जैसे टीना गई थी मेरी डैड तक और अर्चना गई थी, तब लोगों ने मेरा रिएक्शन देखा है, एक झगड़े में किसी की यू नो आप इज्जत उतारने लग जाते हो, उससे वो इज्जत उतारते उतारते जब आप उसकी फैमिली पे जाते हो वो एक अलग चीज़ है, पर जो पापा की एक्टिंग करना, जबकि वो मेरे पापा की एक्टिंग है भी नहीं, बिल्कुल ऐसे बात नहीं करते, पापा पूरी दुनिया जानती होगी, पर उसके साथ साथ वही चीज़ है कि वो एक फन स्पिरिट में होता था, मैंने जब फारा मैम आई भी थी, मैंने फारा मैम से पूछा भी था कि अगर पापा को बुरा लग रहा है, बिकॉज मैंने पहले एक बार स्टैंड को बोला था, तो फाराम ने बोला कि नहीं पापा इज़ ओके, तो एज लॉन्ग एज पापा इज़ ओके, पापा इज़ टेकिंग ऑल ऑफ दिस फन सपोर्टिंग, तब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिस दिन मैं घर के बाहर आई हूँ उस दिन मैंने एपिसोड में देखा था कि स्टैंड बोल रहा था कि उसको बुरा लगता है कि जितने बार उसको बोला जाता है कि पापा की एक्टिंग करो, सो या मतलब वो एक सबूत है सब लोगों के लिए कि जिसको बोला जा रहा है करने के लिए उसको भी थोड़ा वियर्ड लग रहा है कि यार क्यों करा रहे हो, बट एज लॉन्ग एज माई फादर इज टेकिंग इट ऑन ऑल ऑफ दिस इन अ सपोर्टिंग वे, देन व्हाई नॉट, आई एम हैप्पी, ही इज हैप्पी, आई एम हैप्पी। लास्टली सुम्बुल के अंदाज में क्या कुछ कहना चाहोगे उन सभी फैंस को जिन्होंने इतना सपोर्ट किया है सुम्बुल को? आई थिंक उनके लिए कुछ भी बोलना कम पड़ जाएगा, बिकॉज इतना ज़्यादा प्यार दिया है मुझे, इतने वक्त तक और रात दिन पूरी मेहनत करके मेरे पीछे लगे हुए थे वो एंड एवरीथिंग, सो मैं बहुत लकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इतना सारा प्यार मिला है, एंड फैंस नहीं बोल सकती, एक पूरा फैमिली बन गई है मेरी बात।
फील वेरी ग्रेटफुल, बहुत अच्छा लगता है देख के. थैंक यू सो मच. थैंक यू.